हाय संजय, हाउ आर यू? या हाय कृष्ण, आई एम गुड. यू से गुड गुड. संजय, हैव यू डन द इंस्टॉलेशन और स्टिल वेटिंग? लाइक स्टिल लाइक नो नो आई हैवंट डन. एक्चुअली द थिंग इज दैट आई फॉरगॉट माय लैपटॉप इन नोएडा, पर्सनल ओके लैपटॉप. सो आई एम कैरिंग ओनली ऑफिस लैपटॉप. सो फॉर सिक्योरिटी पर्पस आई नीड टू आस्क माय मैनेजर वेदर आई कैन इंस्टॉल और नॉट. राइट. इफ ही अलाउ मी आई कैन गो फॉर इट. ओके, सो आई एम जस्ट यस. श्योर श्योर. हाय रमेश. हेलो कशिश भाई, कैसे हो? गुड गुड, आप बताओ. बस ठीक. हेलो रमेश. रमेश क्या हाल चाल भाई? बढ़िया संजय भाई, तुम बताओ? बस बढ़िया, यहाँ तो बारिश हो रही है टावा में. अच्छा, यहाँ दिल्ली में भी कभी कभी होती रहती है. और सब आ गए? नहीं यार, वो अंशुल तो ज्वाइन नहीं करेगा, बाकी सतीश है. नहीं, सतीश का तो कॉल आया, भी कह रहा है यार मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बाहर हूँ कहीं. ओके, तो फिर वो अंशुल दूसरे वाला, उसने अच्छा अब ज्वाइन हाँ करा है. वो अंशुल. हाँ अंशुल. मैं भी अभी बस बाहर गया था, जस्ट फिर आके नहाया हूँ. मैं कहा ओके ओके लेट ना हो जाऊं. वो ओके. अपना डेस्कटॉप लेके गया था, बताया था ना 6 GB रैम कराई है उसकी, और वो टेबलो वगैरह वो एनाकोंडा इंस्टॉल तो हो गया विंडो 10 डाल के, तो हाँ. उसकी बस सब रैम बढ़वाई है उसकी, 6 GB रैम करवाई है. अच्छा बट ये टेबलो का पंगा है, ये स्टूडेंट आईडी पे तो बताया था आपको, मेरे पे वो अभी तक लाइसेंस की नहीं आई. संजय यार तेरी आ गई कोई लाइसेंस की स्टूडेंट आईडी से? नहीं, अभी मैंने वो इंस्टॉल ही नहीं किया अभी. अरे इंस्टॉल मत कर पहले, वो लाइसेंस की तो मंगवा ले भाई, वो आ जाए तो फिर इंस्टॉल कर दियो. हाँ देखो, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई. मेरी तो आई नहीं यार, मैंने अप्लाई करा था अपने भतीजे की आईडी से, आई नहीं, वो की नहीं आई खाली. वो ना इशू रहता है, किसी किसी का आ जाता है, किसी का नहीं आ जाता है. अगर हाँ इन्फॉर्मेशन वैलिड हो जाती है मैंने तो मिल 12th जाता पास है. आउट किया है जस्ट अभी, उसने भतीजे ने 12th पास आउट किया है, तो पता नहीं क्या पंगा आया नहीं आया, क्या सीन है इनका, क्या करते हैं. वो हाँ यही होता है, अगर वैलिड हो उनको लगता है कि हाँ तो वो भेज देते हैं, अदरवाइज फिर ये वो ऐसा लगता है नहीं भाई करते कि हैं. वेरीफाई कर भी पाते होंगे, वो ऐसे कैसे कर लेंगे इतनी जल्दी 1-2 दिन में वेरीफाई. ओके, एनीवेज करते हैं इसके बारे में डिस्कस बाद में. हाय हाँ हाय अंशुल, आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? यस, क्लियर है एकदम. ओके, यस यस. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड रिकॉर्डिंग. अगर किसी को ऑप्शन चाहिए तो आई कैन गिव. मैं तो फोन से हूँ रमेश, आप कर लोगे कि लैपटॉप तीनों ही जो? फोन से हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं अपने सिस्टम में कर लूंगा रिकॉर्ड. ठीक एक्चुअली है. क्या, मैं अपने लैपटॉप से कर नहीं पाता हूँ, ऑफिस का लैपटॉप है तो उसमें जूम मतलब वो है, प्रोहिबिटेड है, अच्छा, यूज नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, मैं अपने लैपटॉप पे कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग. ठीक है, सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कनेक्ट विद डेटा. सो लेट मी जस्ट क्विकली कनेक्ट विद माय एक्सेल डेटा, एंड लेटर ऑन हम किसी सर्वर से भी कनेक्ट करेंगे एंड उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं. बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस वी विल कनेक्ट टू एक्सेल डेटा फॉर नाउ. And after so this is data connection tab again I'm saying, and once the data is loaded that will be data source tab. ठीक है, तो आपको इस इन टैब्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैब्स के क्या क्या नाम है. एंड देन डेटा सोर्स टैब में हमने काफी सारे ऑप्शंस देखे थे कि वंस डेटा इज लोडेड कि हम उस पर डेटा पे प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत बिफोर टेकिंग दैट डेटा टू क्रिएट विजुअलाइजेशन ग्राफ्स एंड चार्ट्स. सो हमने ये ऑर्डर शीट ली थी फॉर आर प्रैक्टिस पर्पसेस. इसको फिर से लोड करते हैं. ओके, सो नाउ माय डेटा इज लोडेड एंड उसके बाद हमने काफी सारे ऑपरेशंस देखे थे इसमें. वी एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी ऑप्शंस अंडर दिस ड्रॉप डाउन एंड हमने ये भी ऑप्शंस कुछ देख लिए थे. एंड आई आल्सो आल्सो शोड कि डेटा टाइप कैसे हम देख सकते हैं. सो हैश साइन मींस नंबर, एबीसी मींस स्ट्रिंग, कैलेंडर मींस डेट, एंड सिमिलरली दिस ग्लोब साइन इज नोन एज ज्योग्राफी. So these are the data types, some of the data types that are there in Tableau. Okay, and then we also discussed about data source filters. So again, I'm reminding that this is the first type of filter that we are using in Tableau.
देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न लेटर एंड फिल्टर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टैबलो के अंदर तो तभी मैं इस पर ज्यादा फोकस दे रहा हूँ बिकॉज यू शुड नोट इट डाउन कि दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर इन टैबलो एंड इसका स्पेसिफिक क्या यूज है टैबलो के अंदर सो कोई बता सकता मुझे क्या यूज है मैंने लास्ट क्लास में बताया था जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि सारे मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं क्लास में इस फिल्टर का बेसिकली ये यूज है कि लाइक अगर हमने डेटा जो लोड किया है तो हम विजुलाइजेशन करें अगर टैबलो में तो उससे पहले ही हम फिल्टर लगा लेते हैं डेटा मतलब डेटा सोर्स टैब में डेटा लेवल पे राइट ताकि सारा डेटा लोड ना करे और उतना टाइम कंज्यूमिंग ना हो मतलब जो इम्पोर्टेंट डेटा जो हमें चाहिए वो ही हम फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इससे परफेक्ट आंसर एग्जैक्टली सो इसका बेनिफिट यही है जैसे रमेश ने मेंशन करा कि मुझे सपोज मैंने सारा डेटा यहाँ पर मेरा आ गया बट इट डजंट रिक्वायर्ड ठीक है मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए हो सकता है मैंने शिप मोड जहाँ पर स्टैंडर्ड क्लास हो मैंने खाली उसी पे एनालिसिस करनी है सो इट डजंट मेक सेंस कि टू टेक ऑल डेटा इनटू माय शीट्स एंड देन उस पर मैं ग्राफ्स एंड चार्ट्स बनाऊँ उसमें क्या होगा अगर मैं सारा डेटा लेके जा रहा हूँ तो इवन इफ आई एम ड्रैगिंग वन ऑफ दी लाइक फील्ड इन माई विजुअलाइजेशन तो पूरे डेटा पे रिफ्रेश मारेगा एक बार सो मतलब पूरा डेटा लोड करेगा उसके हिसाब से so it doesn't make sense agar mujhe required nahi hai to I will not take that theek hai so this is the use of data source filter and this is very useful to be honest ab agar hum kabhi data laate hain to hum sql query se data layenge kisi database se usme hum generally run karte hain select star matlab kar sakte hain and we can also filter in the query itself agar hum query mein nahi kar rahe to hum kya karte hain ki sara data laake yahan par hum filter laga sakte hain theek uske bare mein khair baat karenge but we know the basic idea about data source filters Now the very important concept in Tableau is this connections. There are two types of connections, live and extract. This is the very, I would say, very very important topic in Tableau. कोई interview में जाओगे ना आप तो जरूर पूछा जाएगा कि आप live connection पे काम करते हो extract पे live पे करते हो तो क्या usage है उसकी extract पे करते हो तो क्या usage है and live में data हो तो कैसे perform होगा extract में हो तो कैसे perform होगा सो काफी सारे डिफरेंसेस है दोनों में लाइव कनेक्शन एंड एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में सो आज इस पे थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे बिकॉज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड अब देखो फर्स्ट कनेक्शन इज लाइव जो अभी हमारा सिलेक्टेड है एंड वी कैन नॉट कीप बोथ सो दीज आर द रेडियो बटन्स सो वी कैन चेक ईदर ऑफ देम सो लाइव कनेक्शन मीन्स हमें इससे नाम से पता चल रहा है कि लाइव मीन्स समथिंग इन रियल टाइम ठीक है अगर मैं इसे होवर करूँ सो यू कैन सी connect directly to your data the speed of your data source will determine performance ab isko thoda sa samajhte hain ki live data and extract mein kya hota hai abhi main kisse connected hu ek excel sheet se so data source kya hai mera wo excel sheet wo kahin par bhi save ho sakti hai mere desktop mein theek hai and now let me open that excel sheet let me show you something Go to Documents and My Tableau Repository, Data Sources. Okay, this is my data. अब होता है क्या है कि जब मैं लाइव कनेक्शन में काम कर रहा हूं ना सो एनीथिंग दैट आई एम अपडेटिंग In my source data क्या है मेरा this Excel spreadsheet, anything that I'm updating here will get automatically updated once I refresh my data. अभी बताता हूँ इसमें कैसे करते हैं then you will get to know about the difference between both. Open new IA. Okay, let it open and If I go to sheet 1, इसमें वापस आते हैं डेटा पे बट इफ आई गो टू शीट वन में क्या है यहां पर हम सारे ग्राफ एंड चार्ट क्रिएट करते हैं शीट्स के अंदर इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे once I come to this topic. But यहां पर आप देखोगे कि सबसे ऊपर क्या आ रहा है ऑर्डर्स सैंपल ईयू सुपर स्टोर वट इज दिस इज माई कनेक्शन यू कैन से डेटा सोर्स कनेक्शन कि आपने कनेक्शन किससे एस्टेब्लिश कर रखा है राइट नाउ जिसके थ्रू आप ये सारे डायमेंशन एंड मेजर देख पा रहे हो सो व्हाट आर डायमेंशन एंड मेजर अगेन वी विल कम टू दिस टॉपिक लेटर बट राइट नाउ हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है कि डेटा टैब में एक एनालिटिक्स टैब है एक डेटा टैब है डेटा टैब में यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है
which is one cylinder just. This one cylinder shows that this is a live connection. But if I go to data source and click on extract, so पिछली बार जब मैंने sheet 1 पे गया था तो मुझे कोई भी इसने prompt नहीं दिया था, वो सीधा sheet 1 पे ले गया था. So एक बार extract इसको करने दो. But it is written extract will include all data. If I go to sheet 1, you can see that I will get a prompt. So ये prompt क्यों आ रहा है मुझे? क्योंकि let's understand extract first. कि extract क्या होता है, कि जो भी आपने अभी data load करा हुआ है ना आपके tableau में, हो सकता है कि आपने कुछ ही डेटा लोड करा हो, सकता है आपने पूरा डेटा लाया हो सर्वर से, ठीक है, व्हाटएवर डेटा व्हिच इज देयर राइट नाउ इन टैबलो, वो क्या करता है कि इसका स्नैपशॉट सेव कर लेता है अपने पास. स्नैपशॉट का मींस जो भी डेटा लोडेड है वो सारा का सारा डेटा एक टैबलो फाइल में स्टोर कर लेगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे आपको डेटा सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहो, आप सीधा आप ये डॉट हाइपर फाइल क्रिएट होती है व्हेन वी क्रिएट एन एक्सट्रैक्ट. सो व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर extract, it is dot hyper. ठीक है, just remember this, क्योंकि ये extensions बहुत important है समझना. So the extension for creating an extract is dot hyper. और extract क्या होता है? It's just a snapshot of the data that is loaded on Tableau. So जो भी हमने Excel sheet से जो data load करा था अपना, so that will be downloaded, you can say, and saved in a file which has extension of dot hyper. So, Tableau का एक हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारा सारा डेटा होगा जो अभी लोड करा था हमने, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम अगर हम डेटा सोर्स जो फाइल हम एक्सेल यूज कर रहे थे उसको डिलीट भी मार दें, इट डजंट अफेक्ट अस. सो हम डायरेक्टली यही डेटा यूज कर सकते हैं वंस आई एम वर्किंग ऑन एक्सट्रैक्ट डेटा टाइप, एक्सट्रैक्ट कनेक्शन. सो लेट मी डू दिस डेटा सोर्सेज के अंदर. ओके, मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ डेटा सोर्सेज में इस फोल्डर में. And okay, save. Now you can see it will take few seconds or minutes to save or maybe download that data and create this file. And then it will automatically take me to sheet 1. मैंने sheet 1 पे क्लिक किया था तभी मुझे ऑप्शन आया था. Okay, now it is done. If I go to that data sources. इसी में किया था ना मैंने डेटा सोर्सेस में, यस, हियर यू कैन सी कि ऑर्डर्स जो मेरा सैंपल सुपर स्टोर है, एंड यू कैन सी द डेट कि आज की डेट पे जस्ट अभी ये एक्सट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है, एंड इसका साइज आप देख पा रहे हो. एंड इस एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, इट विल इंक्लूड ऑल द डेटा दैट वाज लोडेड इन टैबलो. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सट्रैक्ट, कि आपको डेटा सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. सपोज आप मे बी कहीं ट्रेवल कर रहे हो एंड मे बी आपके पास लाइव कनेक्शन या सर्वर का एक्सेस नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो कि जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है एनालिसिस के लिए वो आप उसका एक्सट्रैक्ट क्रिएट करके आप एनालिसिस कर सकते हो. एंड एक्सट्रैक्ट्स आर लिटिल फास्टर देन द लाइव कनेक्शंस. सो एक्सट्रैक्ट हमेशा फास्ट चलते हैं लाइव कनेक्शन के, बिकॉज लाइव कनेक्शन जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सर्वर के रिसोर्सेज, जो आपका डेटा सोर्स है. सपोज आप ओरेकल से डेटा ला रहे हो, सो अगर ओरेकल आपका जो मेमोरी है उसकी कम है, सो इट विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा इन अ वेरी फास्ट फॉर्मेट. बट अगर आपने एक्सट्रैक्ट क्रिएट कर रखा है, दैट मीन्स कि टैबलो के पास ही वो अपना डेटा पड़ा हुआ है. सो दिस मेक्स द कॉम्प्यूटेशन वेरी फास्टर जब आप एक्सट्रैक्ट पे काम करते हो. बट आई विल शो यू द लाइव कनेक्शन. एनी डाउट्स? देखो कोई भी डेटा सोर्स हो, चाहे आप सर्वर से कनेक्टेड हो, कहीं से भी हो, कहीं से वो डेटा ला रहे हो ना, तो एक्सट्रैक्ट की एक्सटेंशन यही रहेगी डॉट हाइपर. उसको मतलब नहीं है कि कौन सा डेटा आपने कहाँ से लाया, उसको बस ये मतलब है कि उसने सेव करना है डेटा, और उस टैबलो की अपनी एक्सटेंशन है कि डेटा सेव करने के लिए वो यूज करता है डॉट हाइपर. ओके, डेटा सोर्स कोई भी हो इसमें, राइट. मैं आपको सर्वर से भी कनेक्ट जब करूंगा, तो सपोज मैं सर्वर से कुछ 1000 रिकॉर्ड्स लाया, उसका मैंने एक्सट्रैक्ट बना रहा ताकि मेरे को बार बार सर्वर पे हिट ना करना पड़े. मेरे पास ऑलरेडी वो डेटा डाउनलोडेड हो अपने पास डॉट हाइपर फॉर्मेट में, तो उसमें भी डॉट हाइपर में ही करेगा वो. अच्छा, एक्सट्रैक्ट इज बेसिकली फॉर ऑफलाइन मोड, राइट? यस, इट इज फॉर ऑफलाइन मोड. जब भी ऑफलाइन मोड में होंगे. हां हां, ठीक है, ओके, गॉट इट.
ताकि यू डोंट हैव टू गो टू द सर्वर और द डेटा सोर्सेज अगेन एंड अगेन, हिट ना करना पड़े बार बार, और आप उस पर डिपेंडेंट ना रहो, ताकि अगर मे बी किसी का सर्वर बैठा हुआ है इट्स नॉट रनिंग तो आपके पास डेटा नहीं आ पाएगा, बट इफ यू हैव द डाउनलोडेड डेटा तो देन यू कैन वर्क इन ऑन इट. बट इसका एक ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक इज यही पूछने वाला था मैं. ड्रॉबैक इज कि आप लाइव डेटा पे काम नहीं कर सकते. अगर मे बी आपकी ट्रांजेक्शन एवरी सेकेंड या एवरी मिनट 1000 ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है, so you cannot do the analysis on the live connection, I mean live data, real time data. आपके पास एक snapshot जो होगा extract का, that will be like जब भी आपने उस पे extract बनाया होगा तब का data आपके पास पड़ा होगा, उसके बाद जो updates हुए उसके ऊपर data आपके पास नहीं होगा. So this is the drawback. ठीक है. सो दोनों के अपने advantages हैं and disadvantages हैं, धीरे धीरे समझ आएंगे हमें, but this is the basic idea about extract. कोई और question इस पे extract में? हमेशा हमें ना लाइव डेटा पे एनालिटिक्स नहीं चाहिए होती. ठीक है. तो लाइव में क्या होगा कि जैसे ही डेटा बेस में रिफ्रेश होगा सो हम कोशिश करते हैं कि हमारे टैबलो डैशबोर्ड अपने आप रिफ्रेश हो जाए ताकि हमें रियल टाइम एनालिटिक्स देखने का मौका मिले. बट जहां पर इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पता है कि यार मेरी इतनी ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होती, मे बी कोई जॉब चलती है मेरी जो पूरे दिन में 3 ही बार मेरा डेटा रिफ्रेश करती है मेरे डेटाबेस में, ऐसा भी होता है प्रैक्टिकली, राइट? तो उस केस में क्या करूंगा कि मैं एक्सट्रैक्ट क्रिएट करूंगा एंड मैं स्पेसिफिक टाइमिंग बता दूंगा टैबलो को कि इस टाइम मेरा एक्सट्रैक्ट अपडेट कर देना कि जो भी पिछले टाइम स्नैपशॉट से अब तक जो अपडेट्स आ गए मेरे डेटाबेस में उसको भी अब मेरे एक्सट्रैक्ट में ऐड कर दो. सो दिस इज आल्सो पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने एक्सट्रैक्ट ले लिया तो उसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. मैं एक्सट्रैक्ट को अपना रिफ्रेश भी कर सकता हूं ताकि नए अपडेट्स भी मेरे पास आ जाएं. ओके. तो ये एक्सट्रैक्ट भी मतलब अपडेट हो जाता है टाइम टू टाइम, तो इसको शेड्यूल करना पड़ता है, मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ता है, शेड्यूलिंग करनी पड़ती है. दैट विल बी ऑटोमेटिक. मैन्युअली भी कर सकते हो आप, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो. It totally depends on the user. Okay. और कोई क्वेश्चन इस पे? नहीं. Okay. So let's work on extract. अब मैंने यहाँ पर आपको लाइव जब दिखाया तो सिंगल सिलेंडर आ रहा था. If I go to sheet 1 now, you can see कि यहाँ पर डबल सिलेंडर्स आ रहे हैं. This is the like you can see कि representation of live and extract connection. अगर लाइव होगा तो यहाँ पे सिंगल सिलेंडर आएगा एंड अगर एक्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे डबल सिलेंडर आएगा. ठीक है. दिस इज दी वन वे टू आइडेंटिफाई कि आप एक्सट्रैक्ट पे काम कर रहे हो या लाइव पे काम कर रहे हो. नाउ इफ आई गो टू माय शीट एंड मे बी चेंज दिस आईडी टू मे बी 38 था यहाँ पर, मैं इसको 10 कर रहा हूँ. ठीक है. आई चेंज इट एंड सेविंग इट कंट्रोल एस. ठीक है. नाउ गोइंग टू माई डेटा सोर्स, यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी आईडी अपडेट नहीं हुई. ठीक है. बट इफ आई गो एंड रिफ्रेश दिस, यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन था. ठीक है. रिफ्रेश करके भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं आया. सो हाउ वी कैन अपडेट द डेटा ऑफ आवर एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. अब यू कैन सी इट इज क्रिएटिंग एक्सट्रैक्ट डेटाबेस, लोडिंग द लाइव डेटा. फिर से ये क्या कर रहा है कि सारा का सारा डेटा फिर से रिफ्रेश करके देख रहा है कि कौन कौन से अपडेट्स आ गए एंड उसके बाद ये चेंजेस उसमें शायद लाएगा. अब यू कैन सी कि इट हैज अपडेटेड द डेटा एंड जो भी मैंने अपडेट्स करे थे शीट में अब उसने एक लेटेस्ट एक्सट्रैक्ट बना दिया. इफ आई गो टू द फाइल अगेन, सो जो इस डॉटा हाइपर फाइल में, ओके सॉरी, इसने यहाँ पर डेटा रिफ्रेश कर दिया बट हमारा एक्सट्रैक्ट रिफ्रेश नहीं हुआ अभी तक, राइट? 612 दिखा रहा है लास्ट टाइम जब हमने लास्ट टाइम अभी 5-6 मिनट पहले करा. टू टेक द इफेक्ट, जो भी मैंने अपडेट्स करे एक्सेल फाइल में यानी कि डेटा सोर्स में, उसका इफेक्ट मुझे अगर एक्सट्रैक्ट में भी सेव करना है. आई वॉन्ट कि जो मैंने अभी अपडेट्स करे वो सारे मेरे एक्सट्रैक्ट में भी आ जाएं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वन ऑप्शन इज रिफ्रेश. ठीक है. बट इससे क्या होगा कि मेरे टैबलो के अंदर तो वो सारा डेटा रिफ्रेश आएगा बट एक्सट्रैक्ट में वो सेव नहीं होगा. एक्सट्रैक्ट में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए यू हैव टू गो टू कनेक्शन, क्लिक राइट क्लिक, गो टू एक्सट्रैक्ट एंड क्लिक रिफ्रेश.
अब इसको रिफ्रेश करूंगा अगर यू कैन सी द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट विल बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्ट रिफ्रेश. वो क्या करेगा, जो पुराना डेटा पड़ा था ना एक्सट्रैक्ट में डॉट हाइपर फाइल में, वो सारा का सारा डेटा ओवरराइट हो जाएगा, किससे, रिप्लेस हो जाएगा जो भी अब मेरे पास डेटा पड़े टैबलू के अंदर. सो इट इज सेइंग इफ यू हैव मॉडिफाइड फिल्टर्स और हिडन फील्ड्स सिंस द लास्ट एक्सट्रैक्ट वाज टेकन, यू माइट हैव डेटा दैट विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्ट रिफ्रेश. डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस आई वांट टू कंटिन्यू बिकॉज मुझे इस टाइम का रियल टाइम डेटा चाहिए जो इस टाइम पे मेरा एक्चुअल डेटा है. सो इफ आई गो टू द फोल्डर नाउ, let me see. It is not showing the timestamp, but somehow it updates the extract. ठीक है, so this is the way कि हम इसके through extract अपना update कर सकते हैं, as we have seen. And second way is we can also create the extract again by extracting the data. And इसमें हम single table add करेंगे and maybe we can use extract. ठीक है, अगर हम इस पे extract पे click करेंगे. One minute. Click refresh. Okay, ये timestamp update नहीं कर रहा उसकी, but उसने extract create कर दिया उसकी जो latest data था मेरा. ठीक है, so maybe it works this way. ठीक है, let's proceed towards live. अब लाइव में क्या होता है कि लेट मी गो टू डेटा सोर्स अगेन. वंस आई क्लिक ऑन लाइव, ठीक है, सो अगर मैं यहां पर फिर से 10 की जगह कोई और वैल्यू अपडेट करूं, मे बी 34 एंड सेव इट, सॉरी 34, यस दिस इज द वैल्यू. इन अगेन आई गो टू टैबलो एंड अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गो टू शीट 1, click on the connection and click refresh. So you can see it is executing the query. Go to the data source tab and you can see ki isne value update kar di hai. But wo jo refresh maine extract ki form mein kiya tha, tab wahan par refresh nahi chala tha because extract mein kya hota hai ki jo hamara data already saved extract ke andar, uske upar wo wapas wo refresh nahi kar sakta because data source ab wo use nahi kar raha. And can and someone is not on mute, let me mute them. Okay, so live connection mein kya hota hai ki once I click on refresh wo usko refresh usse time kar dega and hamare paas live data aayega. Theek hai, live data pe abhi maybe this is not making sense because abhi hum excel file pe kaam kar rahe hain, but once we work on any server to ye zyada better aapko samajh aayega ki live and extract mein kya difference hai. But this is the basic idea between live and extract. कि एक्सट्रैक्ट में हम स्नैपशॉट सेव करते हैं, बट लाइव में हम डायरेक्टली जो भी हम डेटा सोर्स में अपडेट करेंगे दैट विल बी अपडेटेड. और लाइव में अब यू कैन से ड्रॉबैक क्या है कि अगर मेरा सर्वर कभी बैठ गया, अगर मेरी डेटा सोर्स फाइल मैंने यहां से डिलीट कर दी, सो मेरा सारा डेटा उड़ जाएगा, आई कैन नॉट वर्क ऑन इट. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड एक्सट्रैक्ट. कुछ डिसएडवांटेजेस लाइव की, कुछ एडवांटेजेस हैं. सिमिलरली एक्सट्रैक्ट की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एंड कुछ एडवांटेजेस हैं. Now, is there any question between both of these? No, it's clear. Okay. So now we have covered most of the options on the screen. There is one more thing that we can do. Abhi hum kya kar rahe hain ki whatever fields that are coming from the data source, that is coming from orders tab. Theek hai? So orders, you can see this is the data source file or the tab that we have selected.
बट इफ आई वॉन्ट टू ज्वाइन द डेटा ऑफ ऑर्डर एंड रिटर्न, सपोज आई वॉन्ट टू नो कि कौन सा ऑर्डर रिटर्न में भी आया था वापस, ठीक है, फॉर दिस सुपर स्टोर डेटा. आई कैन डू इज आई कैन पिक दिस रिटर्न टैब एंड प्लेस इट ऑन दिस एम्प्टी स्पेस एंड जस्ट लाइक यू कैन लीव इट देयर एंड यू कैन सी ऑटोमेटिकली इट हैज ज्वाइन बोथ ऑफ द टेबल्स एंड बट वट इट हैज डन इनर ज्वाइन. So everyone know like basic SQL inner join, left join, right and outer. Okay. कसीज़ एक बार थोड़ा review करा दूँ. ठीक है. So let me just open Excel. Suppose we have orders and we have returns. These are the two tables that I'm working on. And orders table में मेरे पास fields हैं ID and name. रिटर्न्स में भी मेरे पास है आईडी एंड एज और मे बी वी कैन. ठीक है चलो लेट्स कीप इट एज इज. अब मेरे पास आईडी है 1, 2, 3, 2 and 5 एंड नेम कैन बी एनीथिंग सो आई एम नॉट पुटिंग इट. आईडी यहां पर क्या है, आईडी यहां पर है 1, 5, 9 and 2 ठीक है एंड एज कुड बी एनीथिंग. ठीक है नाउ इफ आई डू द लेफ्ट ज्वाइन और मे बी वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट इनर ज्वाइन. सो पहले इनर ज्वाइन देखते हैं. इनर ज्वाइन मींस व्हाटएवर आईडीज, सपोज मैं अब ज्वाइन लगा रहा हूं ऑन बेस ऑफ आईडी, सो व्हाटएवर आईडीज आर कॉमन इन बोथ ऑफ दीस टेबल्स आई वांट दैट डेटा. सो इन दोनों टेबल्स में आईडी कौन-कौन सी कॉमन है, 2 and 5. So दोनों में 2 भी है and दोनों में 5 भी है. So what it will do is, since it is a many to one join, so I cannot like go into depth of the concepts. So इसमें क्या होगा, जो मेरा inner join में output आएगा, that will be 2, 2 and 5. And इसके against क्या आएगा, name and third will be age. ठीक है, टू के अगेंस्ट सपोज यहाँ पे नेम था बी एंड यहाँ पे नेम था डी एंड यहाँ पर जो भी एज है, सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 2B एंड एज इज 5. सिमिलरली 2D 5 एंड 5 के अगेंस्ट नाम क्या है, सपोज इट इज ई, सो इट विल बी 5E एंड एज इज 23. सो दिस इज इनर ज्वाइन की जहां पर भी दोनों आईडीज कॉमन थी उसका हमने डेटा निकाल लिया. ठीक है नाउ कमिंग टू लेफ्ट ज्वाइन. So left join means pick everything from the left table and only the common fields from the right table. Again, I am repeating, pick everything from the left table and only common things from the right table. So इसमें कैसे होगा कि just copy this data. So this will be as is, pick everything from the left table because यहाँ पे हमारा many to many join नहीं है right table में. So इस केस में क्या होगा कि 1A 17 because 1 common है. Then 5 23 5 के against 23. Then 9 हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएगा because 9 belongs to right table. But we are saying कि pick everything from the left table what we have done and only the common things from the right table. So यहाँ पे common 9 नहीं है. So then 1 5. Sorry मैंने यहाँ पर inner join में 1 miss कर दिया. I'm sorry for that. So यहाँ पर 1 भी आएगा. 1A and 17 and यहाँ पर 1A 17, 2B common है, so 2B and 23 नहीं, sorry 5, 2B 5 and यहाँ पर भी 2D 5, 3 नहीं है यहाँ पर, so यहाँ पर क्या आएगा, null. So ये ऐसे काम करता है कि जहां पर इसको common key नहीं मिली right table से वहां पर values की null आ जाएगी but left table से सब कुछ आएगा. अब इसका opposite क्या है, that is right join. राइट ज्वाइन में क्या होगा कि पिक एवरीथिंग फ्रॉम द राइट टेबल एंड कॉमन थिंग्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा किससे, बिकॉज यहाँ पर सिंगल 2 है बट यहाँ पर डबल 2 है. सो यहाँ पर 2 के लिए एक और रो आ जाएगी, दैट विल बी 2 5 एंड यहाँ पर क्या होगा बी एंड यहाँ पे क्या होगा डी एंड 1 के अगेंस्ट इट विल बी ए, 5 के अगेंस्ट इट विल बी ई एंड 9 यहाँ पर नहीं है सो इट विल बी नल. And last is full join.
फुल जेन में क्या होता है कि वी आर टेकिंग द कंप्लीट डेटा, ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम द राइट टेबल, एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. सो लेट्स सी कि कैसे हो सकता है वो. सो पेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, देन 1A17, 2B, 2 वहां पर है 5, देन 3G, 3 नहीं है, सो इट विल बी नल. 2D, इट इज देयर, देन 5 एंड 23. एंड यहां पर एक हमारे पास एक और फील्ड है विच इज 9. सो 9 लेफ्ट टेबल में नहीं है, बट आई हैव टू कीप इट हेयर. सो 9, null and 1. So this is full join. Ki we are taking all data from the left table and all data from the right table, and jahan par common fields mil jaye aapko usko wahan dal do, otherwise keep it as null. Is it clear now? Matlab thoda sa revisit kar liya humne ki joins kaise kaam karte hain. There is one more I think outer join. Yes, tell me. Outer join. Outer join and full join works in a similar way. Similar way, okay. Right. Outer full join, outer join, those are same keywords. Mota mota, we have these four types of join. Otherwise, we do self join. Self join, the concept वही है कि we join the same table 2 times or 3 times or 5 times. That is known as full join. Sorry, left in self join. But उस case में भी we apply inner join or maybe left join, depends on the scenario. And but overall, we the most prominent are inner join and left join. The most prominent are, like, we mostly use inner join and left join. No, this is not the case. Matlab we also apply right join and full join also. Matlab aisa nahi keh sakta main ki left join and inner join jyada use hota hai. Because there are cases jab aapko maybe 8 ya 10 table join karne hain. So, आपके पास चॉइस नहीं बचती कि आपको राइट जॉइन ही यूज करना पड़ेगा उसके इसमें इनर लेफ्ट का ऑप्शन नहीं आ जाता है. हां, लेफ्ट का ऑप्शन नहीं आता. सो आई एम नॉट सेइंग द टेबल्स आर मोर, तभी इशारा इशू आ जाता है. राइट. सो इज द कांसेप्ट क्लियर नाउ? यस. ओके, नाउ गेटिंग बैक टू टैबलो. अगर यहां पर देखोगे तो जब मैंने शीट को ड्रैग किया रिटर्न्स को, इसने क्या किया कि इनर जॉइन इसने लगा दिया. एंड नाउ इफ आई गो टू राइट, स्टार्टिंग में दिखाएगा किसकी फील्ड्स, ऑर्डर्स की, बिकॉज ऑर्डर्स टैब, ऑर्डर्स जो टेबल है वो पहले कनेक्टेड है. एंड इफ आई गो टू राइट, यू कैन सी देर आर सम फील्ड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम रिटर्न्स. सो दिस इज अनदर डेटा सोर्स दैट वी आर कनेक्टेड नाउ. सो रिटर्न्स, मतलब डेटा सोर्स में से एक स्पेसिफिक टेबल मैंने एक और इसको कंबाइन कर दिया. सो अब मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो सारी फील्ड्स हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम ऑर्डर्स, एंड ये जो लास्ट की दो फील्ड्स हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम रिटर्न्स टेबल. एंड कैसे रिटर्न हो रही हैं? इनर जॉइन के हिसाब से. इफ आई गो टू शीट सैंपल सुपर स्टोर एंड रिटर्न्स, यू कैन सी कि इसमें दो ही कॉलम्स हैं, वही वहां पर शो हो रही हैं टैबलो के अंदर. ठीक है. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा, बिकॉज डेटा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टैबलो. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी कॉमन ऑर्डर्स थे, दैट मींस जो भी ऑर्डर्स रिटर्न हुए थे ना, उन सब का डेटा हमें शो हो रहा है. लेट्स गो टू शीट एंड चेक कि यहाँ पर कितने ऑर्डर्स रिटर्न हुए थे. सो टोटल आर 637. इफ आई क्लिक ऑन मे बी 2000 या ओके, इट इज शोइंग, बिकॉज हो सकता है कि एक कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर्स रिटर्न हो. Let me check. जैसे आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर आई डी है 751, इसकी रो आई डी सेम है. सो दिस इज अ मैनी टू मैनी ज्वाइन. लेट्स सी कि यहाँ पे डिफरेंट क्या है पूरी रो में. इफ आई गो टू एक्सट्रीम राइट, देर शुड बी सम डिफरेंस, तभी इसने मैनी टू मैनी ज्वाइन करा. प्रोडक्ट भी सेम था, रिटर्न्स. स्ट्रेंज, सारी फील्ड्स एग्जैक्टली सेम है, या मे बी 3 ऑर्डर के रहोंगे इसने, आई एम नॉट श्योर. लेट मी चेक हेयर, लेट मी कॉपी दिस आईडी एंड सर्च हेयर.
is not found. Okay, I have to remove this. Find all. Okay. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो returns tab में क्या है कि तीन बार ये ID आ रही है, तभी यहाँ पर duplicate data हमारे पास वहाँ पे show हो रहे हैं. So this is the reason. हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं इसकी, इसलिए उसने many to many join कर दिया. This makes sense now. ठीक है. If I go to Tableau now, let's understand the data. कि जो से ये orders थे, इनके against बता रखे कि ये सारे orders return हुए थे जहाँ पर हमने yes देखा. But if I want to see the complete data, कि जो orders मेरे total place हुए थे, मेरे को ये नहीं देखना कि, मेरे को ये भी देखना है कि returns कौन-कौन से हुए and कौन-कौन से return नहीं हुए. What I can do is, I can apply a left join. Left join में क्या होगा कि everything from the orders table and only common things from the returns table. So, इससे क्या होगा कि orders से तो मेरा सारा data आ गया, right? And अब मैं, if I go to extreme right, तो पहले क्या हो रहा था कि IDs कुछ missing थी, क्योंकि उनके orders return नहीं हुए थे. But if, now I am seeing the monotonic IDs, कि sequence wise IDs सारी है, that means कि मेरे पास पूरा orders table का data है. And if I go to right, now you can see orders यहाँ पर return में null आ रहा है. This means कि Kashish, monotonic means like unique one. Monotonic means those are in sequence. Unique. In sequence, okay. Yes. Okay. Like यहाँ पर मेरे पास कोई भी order ID missing नहीं होगी and जैसे मेरे पास original orders tab में था वैसे का वैसा data मेरे पास show हो रहा है. ठीक है. Okay. Okay. And if I go to extreme right, this means कि मेरे पास कुछ order ऐसे थे जहाँ पर null आ रहे हैं, that means कि वो order return नहीं हुए थे. So successful orders हैं and if I scroll down, you can see there are some IDs in between कि ये specific orders हैं जो return हुए थे. Now this is the good data to practice now, क्योंकि अब मेरे पास वो data है जो return हुआ, वो data भी है जो return नहीं हुआ. So मेरे पास दोनों type का data and this is my requirement कि मेरे को दोनों type का data चाहिए था. Some it may be sometimes कि कोई client कहे कि मेरे को जो returns हुए थे order खाली उनपे मेरे को data चाहिए. I don't care about the orders जो return नहीं हुए. ठीक है. So it totally depends. But इस case में let's keep both all the data ताकि हम थोड़ा सा explore कर पाएं data को. And you can also check the people. I can also combine this sheet also or this table. अब ये क्या हुआ, इसने क्या करा कि orders के साथ ही इसने people को करा combine and orders के साथ ही returns को करा. Let's find out the reason. Go to sample superstore data. इसमें हमारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं रिटर्न्स में, ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न्ड. एंड इसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी है, तो इसने क्या करा बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आईडी के हिसाब से जॉइन मार दिया. बट इफ आई गो टू पीपल, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ऐसी कोई कॉमन की नहीं है जो मैं रिटर्न्स के साथ कंबाइन कर पाऊँ, राइट? ना यहाँ पर रीजन है ना पीपल है रिटर्न्स में, तो इसलिए इसने उसके साथ कंबाइन नहीं करा. बट पीपल में एक फील्ड है दैट इज रीजन. एंड इफ आई गो टू ऑर्डर्स, यहाँ पर भी एक फील्ड होनी चाहिए दैट इज रीजन. सो इसने उसके हिसाब से ज्वाइन कर दिया. एंड व्हाट डज इट मीन, लेट्स गो टू टैबलो, कि इसने क्या करा कि जो भी ऑर्डर्स में डेटा था उसके अगेंस्ट इसने पीपल मैनेजर असाइन कर दिए. इफ आई गो टू राइट, यू कैन सी पीपल मैनेजर इज फॉर दिस रीजन इज रॉस सम नेम, आई कैन नॉट प्रोनाउंस करेक्टली. सिमिलरली फॉर दिस रीजन साउथ, मे बी दिस इज अ रीजनल मैनेजर. ठीक है. सो वी कैन कंबाइन ऑल द डेटा, नाउ वी कैन एक्सप्लोर on the sheets. So one more thing, ki ye jo isne combine kara na, like join kara, ye kiske behalf pe kara, let's check. If I click on the middle this sign of the join sign, if I click this, you can see it has automatically detected that ki data source mein mere paas jo orders tha wahan par region field thi and people mein bhi region field thi. So this way it has automatically identified ki kis mein mere ko join karna hai, kiske behalf pe. But you can change it. If I click on this drop down, it is also listing the other fields like people. And if I click here, you can see कि आप किसी के behalf पे भी आप join कर सकते हो. And time is almost finishing, so let's rejoin so that we cannot skip this. ठीक है, let's rejoin quickly. I'm stopping and disconnecting. Please rejoin. Okay.